Now start our topic. Our topic is vaccination. It is a method of preventing germs from causing diseases. Okay? ये एक method होता है जो prevent करता है germs को जो disease cause करते हैं. Even when they enter your body, जब जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं. ए वैक्सीन इज एन इंजेक्शन और ओरल ड्रॉप्स. जो वैक्सीन होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे बॉडी में या फिर हम उसे ओरल ड्रॉप्स के थ्रू अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं लेते हैं. व्हेन वैक्सीन इज टेकन आवर बॉडी सेल्स बिकम अलर्ट इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच कैन फाइट द जर्म्स. ये हमारे बॉडी में लिए जाते हैं और हमारे बॉडी में इमीडिएटली तुरंत ही प्रोड्यूस करते हैं कुछ सब्सटेंस को जो जर्म्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. द पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी. पावर वह शक्ति जो हमें डिजीज से लड़ने में हमारी मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मेलासिस, चिकन पॉक्स एंड टीबी. ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस बट पोलियो वैक्सीन इज टेकन ओरली. ओके, सारी जो भी वैक्सीन दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं. बट जो पोलियो वैक्सीन था उसे ओरली दिया जाता था. ओके, ओरली दिया जाता है. ओके, वैक्सीनेशन इज गुड टू प्रिवेंट मेनी डिजीज. वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छे होते हैं जो डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी में, डिजीज़ होने से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन जो होता है वो अच्छा होता है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इलाज से बेहतर रोकथाम है. ओके, सो फॉर देयर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स डिजीज. और इसी वजह से वैक्सीन्स जो हैं उसके एड्स के लिए, एड्स डिजीज़ के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. द इमीडिएट, व्हाट इज फर्स्ट एड, डू यू नो व्हाट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड immediately treatment given to an injured person before arrival the doctor. डॉक्टर के आने से पहले जो injured person को जो treatment दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, first aid कहते हैं. okay, now start. an accident can happen at any place. accident कभी भी कहीं पे किसी भी place पे हो सकते हैं. at any time किसी भी time पे. and to anyone और किसी के भी साथ. ओके, एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाई बींग ए लिटिल मोर केयरफुल. जब हम केयरफुल रहते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. लेट अस स्टडी द मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड हाउ वी कैन अवॉइड देम बाई टेकिंग सिंपल स्टेप्स. और हम चलिए स्टडी करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं और हम कैसे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, कुछ सिंपल स्टेप की मदद से. ओके, एवरी एक्सीडेंट अकर सडनली एंड मेनी टाइम मेडिकल एड इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली. कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट सडनली हो जाते हैं और उस टाइम पे हमें कोई भी मेडिकल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, अवेलेबल नहीं होती है इमीडिएटली. एट सच टाइम, तब उस समय पे हेल्प गिवन बाय अस इमीडिएटली टू सेव द लाइफ. तो हमें इमीडिएटली लाइफ को बचाने के लिए ऑफ ए विक्टिम इज नोन एज फर्स्ट एड.
जिसके साथ हादसा हुआ रहता है उसकी लाइफ को सेव रखने के लिए जो हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू विच मे रोड एक्सीडेंट आर टेकिंग प्लेस। और इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब की बढ़ने की वजह से जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। रोड एक्सीडेंट, मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट कैन ऑल्सो बी एवर्टेड इफ द ड्राइवर्स आर केयरफुल। ओके, मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट कैन बी एवर्टेड इफ द ड्राइवर आर केयरफुल। जब ड्राइवर केयरफुल होते हैं तो रोड एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। वी मस्ट ऑल्सो बी वेरी केयरफुल वाई वॉकिंग द रोड, और जब हम वॉक करते हैं रोड पे, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें भी बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वी ए कॉशन, और हमें सारे प्रकार के कॉशंस को लेना चाहिए, स्पेशली वाई क्रॉसिंग द रोड, और स्पेशली जब हम रोड को क्रॉस करते हैं। वी मस्ट नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पे प्ले नहीं करना चाहिए। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर अबव केयरफुली एंड टेल विच एक्शन इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस एंड विच वन इज करेक्ट एंड व्हाई। ओके, एवरीवन राइट हियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फायर एक्सीडेंट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट फायर एक्सीडेंट, देयर कॉजेज एंड हाउ टू एक्ट फास्ट टू पुट आउट द फायर एंड हाउ टू अटेंड टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बर्न्स। ओके, नाउ हम लोग चलिए इसके बारे में, फायर एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं। देयर कॉजेज, उसके होने के कारण, और ये कैसे होते हैं फायर, और उनके ऊपर हमें क्या डालना चाहिए, और उन पर्सन के बारे में पढ़ते हैं जो बर्न से सफ़र करते हैं। ओके, जिनके साथ ये हादसा हुआ होता है। ओके, व्हाट कॉज फायर एक्सीडेंट। फायर इज वेरी यूजफुल एंड विदाउट इट यू कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ। फायर जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है, और इसके बिना हमारा लाइफ जो होता है वो संभव नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे शब्दों में, इट कॉज एक्सीडेंट, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होता है। इफ इट गुड आउट ऑफ कंट्रोल, और ये क्या होते हैं, ये जब लगते हैं, जब ये फायर एक्सीडेंट होते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये कंट्रोल में नहीं होते हैं। और इज यूज्ड केयरलेसली, और जब हम केयरलेस होते हैं और तभी ये होते हैं। ओके, सम एक्सीडेंट आर माइनर, सम आर मेजर। कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं फायर एक्सीडेंट जो माइनर होते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो मेजर होते हैं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द फायर एक्सीडेंट आर ड्यू टू आर केयरलेसनेस, और बहुत से जो फायर एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे केयरलेस की वजह से होते हैं। जब हम केयरलेस होते हैं तब ये फायर एक्सीडेंट होते हैं। थ्रोइंग अवे बर्निंग मैच स्टिक, जैसे कि हम लोग करते हैं कि हम किसी चीज़ को जला के जो मैच स्टिक होते हैं उनको दूर फेंक देते हैं, और सिगरेट्स, और जो सिगरेट होते हैं उसको यूज़ करने के बाद उसको हम दूर फेंक देते हैं। कैन बी ए मेजर कॉज ऑफ फायर मिसहैप, और ये जो फायर एक्सीडेंट होते हैं उसके ये बहुत ही बड़े कारण होते हैं, इससे क्या होते हैं, फायर लग सकती है। ओके, सेकेंड, ए फायर मे बी कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, और जो फायर होते हैं, दूसरा कारण है जो फायर होते हैं, जो फायर एक्सीडेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं। ड्यू टू बर्निंग ऑफ कैरोसिन स्टोव की बर्निंग से भी होते हैं, गैस सिलेंडर की बर्निंग से होते हैं, और क्रैकर्स मतलब पटाखों से होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉशन टू बी टेकन टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट, कुछ प्रिकॉशन है जो फायर एक्सीडेंट के समय लेना चाहिए।
फर्स्ट डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें फायर के साथ खेलना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लीकेंसेस, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। कैरोसिन के साथ, पेट्रोल और मैचस्टिक के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। चेक द वायरिंग, वायरिंग को हमेशा देखते रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग जहाँ पे भी होते हैं, फॉर टाइम टू टाइम, और समय के समय समय पर हमें उसे चेक करते रहना चाहिए। इफ़ इट इज़ ओल्ड वायरिंग, जब वायरिंग जो होती है जब वो पुरानी हो जाती है, आस्क फॉर रिप्लेसमेंट, तो हमें उसे रिप्लेस करने के लिए बोलना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स वाइल करेंटिंग पासिंग, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। इलेक्ट्रिक स्विचेज विद वेट हैंड, और इलेक्ट्रिक स्विचेज को गीले हाथों से हमें टच नहीं करना चाहिए। फोन नंबर, डोंट पुट द कैरोसिन और गैस स्टोव ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पे नहीं, कैरोसिन ऑयल और गैस स्टोव को फ्लोर पे हमें नहीं रखना चाहिए। 5. Avoiding wearing nylon and synthetic cloths while working in the kitchen, जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स वेयर नहीं करने चाहिए, लाइक सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े, सिल्क नायलॉन के कपड़े, इन सारे कपड़ों को हमें नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो उसमें फायर ईजली, वो फायर को ईजली कैच करता है। तो इसी वजह से हमें जो भी कपड़े पहनने चाहिए वो कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए जब हम किचन में काम करते हैं, वाइल वर्किंग इन द किचन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट सो बी वेरी केयरफुल, चिल्ड्रेन और एडल्ट को दोनों को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। वाई ब्रस्टिंग क्रैकर्स, जब हम क्रैकर्स मतलब पटाखों को जब हम जलाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली, जब हम दिवाली के टाइम में जब हम पटाखों को जलाते हैं तो हम बच्चों को और एडल्ट दोनों को केयरफुल होना चाहिए। एंड द मैच स्टिक शुड बी पुट ऑफ बिफोर बीइंग थ्रो अवे, और मैच स्टिक को जब हम उसको जलाते हैं तो उसके पहले हमें, जब वो फेंकने के पहले हमें उस वहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, फेंकने से पहले हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, जैसे मैच स्टिक से अगर हम उसको जलाते हैं तो बिफोर मीन्स पहले, बीइंग थ्रो अवे, ठीक, हम उसको फेंक के हमें तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ में ही, हमारे हैंड में ही वो ब्रस्ट कर जाएंगे और हमें फायर, हमारे साथ फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you and have a nice day.